नमस्कार। हमारा आज का विषय है चित्र वर्णनम या चित्राधारित संस्कृत वाक्यानि। इस प्रश्न में चित्र दिया रहता है, उसको देखकर हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने होते हैं। जैसे हमारे सामने चित्र है ये, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको इस चित्र को ध्यान से देखना है कि हमें ये ओवरऑल किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है। फिर मान लो हमने देख लिया, क्या दिख रहा है हमें? ये गार्डन सीन है, ये उद्यान है, ठीक है। उसके बाद हमें ये ऑप्शंस देखने हैं। ध्यान से देखेंगे हम उन ऑप्शंस को, बाल पश्यत, फिर बाल आ गया, वृक्ष हरित, पुष्पे, पादप, पत्राणि, पश्यन्ते। क्या बात है कि जरूरी नहीं है कि हम इन मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करें। यदि हमें लगता है कि हम इनका सही से प्रयोग कर सकते हैं तब तो आप इनका प्रयोग करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इन शब्दों को प्रयोग करने की। साधारण सा सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाक्यों से सिखाऊंगी। सबसे पहला वाक्य हमको इदम चित्रम से शुरू करना है। पहला वाक्य बताना है कि ये चित्र है किस चीज़ का। हमने देख लिया उद्यान का चित्र है, तो उस उद्यान शब्द के साथ हम स्य जोड़ देंगे, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा देंगे, तो हमारा पहला वाक्य बन जाता है इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। यह चित्र उद्यान का है। बस यहाँ एक सेंटेंस, हमेशा हमको पहला वाक्य इदम चित्रम से शुरू करना है, और जिस चीज़ का चित्र दिखता है उसके साथ अगर वो अकारांत शब्द है तो स्य लगा दीजिए, वाक्य बन जाएगा इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, विद्यालयस्य अस्ति, जिसका भी है। उसके बाद जो वाक्य बनाएंगे हम वो शुरू करेंगे अस्मिन चित्रे से। अस्मिन चित्रे इसका अर्थ है इस चित्र में। अस्मिन शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, चित्रे में भी सप्तमी विभक्ति है। इदम चित्रे नहीं कर सकते, इदम के साथ चित्रम, दोनों नपुंसक लिंग एक वचन, इदम चित्रम। पहला वाक्य इदम चित्रम से बनाना है। दूसरा वाक्य सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके अस्मिन चित्रे इस चित्र में, अस्मिन चित्रे इस चित्र में, अत्र चित्रे इस चित्र में, अत्र चित्रे इस चित्र में, इस तरह से 5 का हमने प्लानिंग कर ली कि हम ये 5 वाक्य बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है? सिर्फ कर्ता और क्रिया, कर्ता क्रिया, इसका ध्यान रखना है हमें। और खास बात क्या है, चित्र वर्णन में कर्ता हमेशा प्रथम पुरुष का होगा। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता लेना ही नहीं, हमें उसका प्रयोग नहीं करना है, केवल प्रथम पुरुष का। मानो जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है बालह ऑप्शंस में, तो बालह हमें पता है एक वचन है, मैं कह रही हूँ प्रथम पुरुष है और पुरुष सोचना ही नहीं है। बालह अस्ति, बालह खेलति, बालह क्रीडति, बस ये कर्ता और क्रिया का प्रयोग करना है हमें। उसके बाद मान लो हमें पत्राणी दिख रहा है वहाँ पर, पत्राणी यानी पत्ते। अब पत्ते बहुवचन है, पता लग रहा है पत्रम पत्रे पत्राणी, तो बहुवचन के साथ संति। एक वचन का कर्ता तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। तो बस इस हिसाब से हम यहाँ कितना बहुत कुछ दिख रहा है हमें, मैं छोटे छोटे वाक्य आप लोगों को बताती हूँ। पहला हमने लिखा इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, दूसरा अस्मिन चित्रे सूर्यः अस्ति, अस्मिन चित्रे वृक्षः सन्ति, अस्मिन चित्रे बालकः सन्ति। सब आप संति लगाइए और नहीं कुछ, संति लगाएंगे आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अस्मिन चित्रे मेघः सन्ति, अस्मिन चित्रे खगः सन्ति। अब जिनको लगता है क्या बार बार संति संति संति, क्रिया बदल दो, अस्मिन चित्रे बालकः क्रीडन्ति, अस्मिन चित्रे सूर्यः उदेति, उग रहा है, उदय हो रहा है, खगः सन्ति ना करके खगः उत्पतन्ति, उड़ रहे हैं, वृक्षा सन्ति ना करके वृक्षा तिष्ठन्ति, वृक्षेषु खगः तिष्ठन्ति, ठीक है। इस तरह से हम सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी जा सकते हैं। अस्मिन चित्रे द्वौ बालौ दोलायाम उपतिष्ठतः, दो बच्चे झूले पर बैठे हैं। कठिन जिनको बनाना है, बत्तख दिखाई दे रही हैं। अस्मिन चित्रे वर्तिकः तरन्ति, बत्तखें तैर रही हैं। तो मैंने वाक्य लिखे हैं ताकि स्पेलिंग भी आप लोगों की गलत ना हो,
वहां से देखकर वाक्य बोलते हैं। अब बिल्कुल सिंपल वाक्य, सबसे पहला जैसे मैंने बताया, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है, इसमें इदम चित्रे नहीं करना, इदम चित्रम। दूसरा, अस्मिन चित्रे बालकाः सन्ति, अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति, ये बिल्कुल सरल से सरल वाले वाक्य हैं। नंबर वही 5 मिलने हैं, कठिन वाले लिखोगे स्पेलिंग मिस्टेक का या कुछ और तरह की गलती होने की संभावना होती है, इसलिए सिंपल लिखेंगे अच्छा है। अत्र चित्रे खगाः सन्ति, अस्मिन चित्रे पुष्पाणि सन्ति, थोड़ा सा टफ की तरफ चलते हैं। अत्र जले वर्तिकाः तरन्ति, बत्तखें तैर रही हैं। आकाशे मेघा सन्ति, सिंपल ये ना लिख करके कि अस्मिन चित्रे मेघा सन्ति, अस्मिन चित्रे आकाशे मेघा सन्ति, दृश्यन्ते भी कर सकते हो। अस्मिन चित्रे सूर्यः उदेति, अत्र एकः मंडूकः अपि दृश्यते, मंडूकः यानी मेंढक, वहाँ एक मेंढक भी है, बहुत कुछ है इस चित्र में देखने को। प्रदत्ते चित्रे, गिवन चित्र में, दिए गए चित्र में वृक्षे, वृक्ष पर खगाः तिष्ठन्ति, आप यहाँ वृक्षे छोड़ भी दोगे, सिंपली कहोगे खगाः तिष्ठन्ति तो भी पूरे मार्क्स, खगाः सन्ति तो भी फुल मार्क्स, खगाः उत्पतन्ति तो भी फुल मार्क्स। और वाक्य बनाए हैं, अब ये थोड़े से बड़े वाक्य हैं। अस्मिन् चित्रे एका बालिका त्रयः बालकाः च सन्ति, इस चित्र में एक बालिका और 3 बालक हैं। ऐसा वाक्य यदि कोई बच्चा बनाता है तो उसको खासकर ध्यान रखना है, मैंने बालिका के साथ विशेषण लगाया है एका, एका बालिका, यहाँ यदि आप एकह बालिका या एकम बालिका कर दोगे तो नंबर कट जाता है। ऐसे ही त्रयः बालकः, 3 बालक, बालक शब्द पुल्लिंग है तो उसके साथ त्रयः शब्द भी, उसका विशेषण जो संख्यावाची विशेषण है वो भी पुल्लिंग ही लगेगा, यहाँ त्रीणि त्रयः त्रयः ही लगेगा, तिस्रः वगैरह स्त्रीलिंग शब्द या नपुंसकलिंग शब्द नहीं लगाना। विशेषण विशेष्य का बहुत ध्यान से प्रयोग करना है, वरना मत करो। सिंपल बालिका बालकाः च सन्ति तब भी बढ़िया है, और अगर करना है तो नियमों को ध्यान में रख के, वरना मार्क्स कटते हैं। अत्र एकः बालकः एका बालिका च दोलायाम उपतिष्ठतः, इतने बड़े सेंटेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को लगता है हमें संस्कृत आती है, हम अच्छा वाक्य बना सकते हैं, तो वो ऐसे बड़े वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ एक लड़का और एक लड़की दोलायाम झूले पर, सप्तमी विभक्ति दोला की, उपतिष्ठतः, दो बच्चे हैं बैठे हैं, द्विवचन, एक और एक दो हो गए तो क्रिया भी द्विवचन की लगाई, उपतिष्ठतः। अस्मिन् चित्रे सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, इस चित्र में सब जगह फूल खिले हैं, पुष्पाणि सन्ति कर दो तो भी वही बात है, विकसन्ति मीन्स खिले हुए हैं। प्रदत्ते चित्रे वातावरणम रमणीयम दृश्यते, कुछ बच्चे लिखते हैं इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, वो बिल्कुल उस कंडीशन में लिखना चाहिए जब आपके पास कुछ भी ना हो, कोई भी वाक्य आपके पास नहीं बन रहा हो, तब है वो बात कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, वरना नहीं लिखना है, ये कोई अच्छा असर नहीं छोड़ता है। प्रदत्ते चित्रे वातावरणम रमणीयम दृश्यते, वातावरण बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अत्र चित्रे सर्वत्र हरितिमा अस्ति, इस चित्र में सब जगह हरियाली है। ये ऐसे ऐसे वाक्य जो बाद वाले दो वाक्य हैं, ये तब बनाने होते हैं जब हमें कोई ऑप्शन दिखाई ना दे या कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे जो हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। धन्यवाद।